व्हाट्सअप गाइस, विराट कोहली ने बनाई है 49 सेंचुरी। तो उसके बाद मीम्स बहुत सारे आए हैं उस मैच रिलेटेड भी, और वो कहता ना कि एक वो तगड़े तगड़े मीम्स, तो तने भाई की वीडियो है, मस्त मजेदार मीम्स होने वाले। देखते हैं आज विराट कोहली के अराउंड होने वाले मीम्स, मस्त 12 तारीख को। 1 2 3 गो। रहने दो टेम्बा बहुमा भाई, रहने दो, कुछ ट्राई मत करो, कुछ नहीं होना। ये लोग एक दिन पहले डिसाइड करके आने लगे आजकल, आज 5 विकेट तू लेगा, आज 5 विकेट तू लेगा, जब मर्जी हो सेंचुरी लगा देते हैं। बर्थडे पार्टी करनी हो तो मैच जल्दी खत्म कर देते हैं। इंडियन टीम बाकी टीमों को घर बुलाकर इतनी बेइज्जती कर रही है ना, मुझे लग रहा अगली बार से इंडिया आने का मना ना कर दे सब लोग, जैसे पाकिस्तान जाने से मना करती है बाकी टीमें ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, अब हमारे यहाँ आने से मना ना कर दे ड्यू टू सेल्फ रिस्पेक्ट रीजन। लॉर्ड बहुमा के इतने बड़े फैन है रोहित भाई की, साउथ अफ्रीका की इनिंग्स को भी उतनी ही छोटी कर दी। अब तो पब्लिक की भी डिमांड आ गई है भाई, जो फर्स्ट इनिंग्स के बाद इनिंग्स ब्रेक होता है आधे घंटे का, वो रखते ही क्यों है? क्या फायदा जब अगले 15 मिनट में इंडियन टीम सामने वाले को पूरी तरीके से निपटा ही देगी। शामी भाई, मोहम्मद शामी भाई का अलग ही टशन चल रहा है इस वर्ल्ड कप में। उनसे मोहम्मद कैफ ने पूछा, ये कौन सी नई टीम, ये कौन सी नई टीम है, कौन सी टीम लाए हो यार कि सबको हरा दे रही है। और जड्डू और केएल राहुल भाई क्लासिन के एलबीडब्ल्यू पर डीआरएस का डिस्कशन कर रहे थे और उन्होंने 4 सेकंड क्या ले लिए। शर्मा जी ने बोला, ये अभी क्या सोचने का यार, आखिरी बैट्समैन तो है। एंड शर्मा जी बीइंग शर्मा जी, रिव्यू सक्सेसफुल। तो शांति, शांति मेरे लिए सब कुछ है, तो शांति से खेलो। रोहित भाई, अगर ये शांति से खेलना है ना, तो आप कभी अशांत मत होना, ये बाकी कैप्टनों ने मुझसे आपसे बोलने के लिए बोला था। और सच में यार, जिस मूड से रोहित भाई आजकल ओपनिंग करने आ रहे हैं ना इस वर्ल्ड कप में, बाकी टीमों की लिटरली फट चुकी है। अब क्या बोलूं मैं उसमें, कुछ मत बोलो रोहित भाई, कुछ मत बोलो, वो तो हम ही जानते हैं जिस मूड से आप कल आए थे ना, अगर 20-25 ओवर खेल जाते तो टेम्बा बहुमा तो मार्को जेंसन की पीठ पर बैठकर साउथ अफ्रीका रवाना हो जाता आधी इनिंग्स में। रोहित भाई की ओपनिंग करने से बाकी बैट्समैन को इतना फायदा मिलता है ना, क्योंकि शुरू में आते ही रोहित भाई इतने पुल शॉट मारते हैं कि बॉलर बाउंसर है डालना भूल जाता है, और जब तक उसको याद आता है चीकू भैया सेंचुरी मार देते हैं। चीकू भैया की सेंचुरी में बॉलर इतना बिजी हो जाता है कि उसकी खुद की अपनी सेंचुरी मिस हो जाती है, उसको याद ही नहीं रहता। अगर यही बॉलिंग रोहित शर्मा को की जाती ना तबरेज ने, तो रोहित शर्मा ने कम से कम उसको 20 छक्के मारने हैं लात रख के। हेलो शोएब अख्तर, हां जी, कुछ बोलना था आपसे। अच्छा इरशाद, आप भोसड़ी। चीकू भैया का बर्थडे था और जड्डू भाई ने उन्हें बर्थडे गिफ्ट में पूरा का पूरा जड्डू ही दे दिया। जान पहचान नहीं है, कैसे उठाऊंगा। शामी भाई ने इस बार फिर से आते ही अपना विकेट्स पर झपट्टा मारना शुरू करा ही था कि जड्डू भाई तब तक फाइवर ले गए। साले सबके सब भूखे हैं टीम में विकेट्स को लेने के लिए, एक दो ओवर रेस्ट क्या कर लो, पूरी टीम ऑल आउट कर देते हैं। काफी टाइम बाद कुलदीप भाई को भी 2 विकेट्स नसीब हुए। पिछले 2-3 मैचेस से तो जब तक बेचारे पे बॉलिंग आ रही थी पूरी प्लेट ही साफ हो जाती थी। भाई हमें एक दो ओवर्स बैटिंग ही दे दिया करो यार, ना बॉलिंग आती है ना बैटिंग, मम्मी बोलती है मटर ही छील दे फ्री बैठा है तो, 12th मैन वाला फील आता है, समझो ब्रो। सूत्रों के माध्यम से सुनने में आया है भारत का प्रदर्शन देख नीदरलैंड्स की टीम बिना चड्डी के नीदरलैंड्स भाग चुकी है। भागते भागते फैन से बोलते हुए गए, हमारा इस वर्ल्ड कप का हो गया। रोहित शर्मा ने अफ्रीकी कप्तान के मजे लेते हुए उनसे बोला, बहुमा वो देख सूखी लकड़ी पड़ी है। विराट कोहली ने अफ्रीकी टीम को धन्यवाद करते हुए बोला, तुम्हारे सामने मेरी 49वीं सेंचुरी आई है और बर्थडे पर मैंने खट्टी टॉफी खाई है। सेमीफाइनल की चाह रखने वाली पाकिस्तानी टीम ने बोला, हम तो इंग्लैंड से ही हार जाएंगे, गलती से सेमीफाइनल में पहुंचे तो इंडियन टीम तशरीफ का तरबूजा बना देगी। राहुल द्रविड़ का हार्दिक पांड्या को मैसेज, कहा जब तक विराट 50वीं सेंचुरी नहीं मार देता तो इंजर्ड ही रहे। चीकू भैया को कांग्रेचुलेशन 49th सेंचुरी के लिए। एक तो यार ये चीकू भैया ने इतने हाई होप्स रख दिए ना, मुझे लगता है ये आदमी कभी रिटायरमेंट ही नहीं लेगा। क्रिकेट का अनिल कपूर दिन बर दिन यंग ही होते जा रहे हैं। पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में रोहित भाई ने बोला, पिच वॉजंट इजी टू बैट ऑन एंड यू नीडेड समवन लाइक विराट कोहली हू बैटेड थ्रू आउट द इनिंग्स। रोहित भाई चलो मान लिया यार पिच डिफिकल्ट थी बैटिंग के लिए, पर ये आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता सुनना। 160 प्लस के स्ट्राइक रेट से खेलने के बाद ये बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। गिल को भेज दिया करो कि तू जाके बोल क्या कि पिच डिफिकल्ट है बैटिंग के लिए, आप मत बोला करो, हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। हमारी दीवानगी थोड़ी अलग है, हम लड़कियों के
के जमाने में रोहित के दीवाने हैं। ऐसे मत करो यार, रोहित भाई बेचारे शर्मा के बोलने लग जाएंगे। अभी क्या बोलूं यार। उधर टेम्बू द लेजेंड द बौमा अपनी खुद के ही रोस्ट बेइज्जती कर रहा है। उससे पूछा कि आपके लिए क्या शुरू के 10 ओवर्स डिफिकल्ट रहे हैं। टेम्बू ने बोला हाँ हाँ भाई साहब बहुत डिफिकल्ट रहे हैं, पर आप बैटिंग का पूछ रहे हो या बॉलिंग का। खैर गिफ्ट तो साउथ अफ्रीका ने भी दे दिया चीकू भैया को, 19 से 18 रन से हार के। गिफ्ट ऐसा दो कि खुद का नेट रन रेट ही आधा हो जाए एक ही मैच में। यार इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जब हम लोग लास्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जीते थे तो विराट कोहली ने सचिन पाजी को कंधे पर उठा के रखा था और आज उन्हीं के रिकॉर्ड की बराबरी, जिस पर सचिन पाजी खुद ही खुश होकर बोले वेल प्लेड विराट, इट टुक मी 365 डेज टू गो फ्रॉम 49 टू 50 अर्लियर दिस ईयर, आई होप यू गो फ्रॉम 49 टू 50 एंड ब्रेक माई रिकॉर्ड इन द नेक्स्ट फ्यू डेज, कांग्रेचुलेशंस। और ये सब सुन के ऑब्वियसली कोई भी इमोशनल हो जाएगा, चीकू भैया भी हो गए। उन्होंने बोला कि भाई लोग कंपैरिजन करते हैं विराट सचिन विराट सचिन का, बट सचिन पाजी जैसा कोई नहीं हो सकता। ये पूरा वीडियो भी तुमको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, देख सकते। इतना बढ़िया माहौल चल रहा था पर फिर सोशल मीडिया खोला और फिर वही सेल्फिश विराट, तो सेल्फिश बस खुद का सोचता है, टीम का सोचता ही नहीं है। अबे तुम्हारे सामने पूरी साउथ अफ्रीकन टीम लुढ़क गई। क्लासेन जैसे बैट्समैन को 11 बॉल लग गई एक रन बनाने में। क्विंटन डिकॉक का 50 का स्ट्राइक रेट, वेंडर डुसेन का 40 का स्ट्राइक रेट। बहुमा के गांड के नीचे से बॉल निकल गई, वो बोल्ड हो गया। अभी तक तुम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये पिच अलग थी। कंट्रोल। खैर भाई इसी नोट पे इस वीडियो को खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका मीम्स के साथ, और एक कंट्रोवर्सी जो कि चीकू भैया को लेके हो रही थी वो उस पर बात करते हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना हो। लोगों का काम है कहना, देखो लोगों का काम है कहना, सेल्फिश लिखो चाहे कुछ भी लिखो, हमें ना पड़ता फर्क, टीम जीत रही है, विराट कोहली बढ़िया खेल रहा है, दैट्स इट, एंड ऑफ डिस्कशन। सेल्फिश है, उस अकेले विराट का स्कोर ही नहीं कर पाई पूरी टीम, ये वही है जिनसे बोल तो खेली जाती नहीं। हाँ, तो यहीं पर ही ज्ञान ये फिर ऐसे बोलते हैं इसको ना थोड़ा ऐसे करके शॉट मारते हैं, ये अपने गली एक्सपर्ट होते हैं। भैया ट्विटर पे ट्रेंड करके तुम फेमस नहीं होगे, तुम अभी भी वही होगा फेमस, एंड करके भी फेमस कोहली ही रहना है। हाँ। तुम कितनी भी नेगेटिविटी फैला लो, ये वो नेगेटिविटी जिसका कोई तोल मोल नहीं है, दूर दूर तक और सेंसलेस। हाँ। है, मतलब अगर आप अपने आप क्रिकेट एक्सपर्ट समझ के सेल्फिश ट्रेंड करवा रहे हो, जो जो लोग कर रहे हैं ये लिख रहे हैं, तो तुम्हें सच में क्रिकेट की नॉलेज नहीं है। पहले तुम क्रिकेट की नॉलेज लेके आओ, वो स्टार्टिंग वाला मस्त था WWE वाला जो था, साउथ अफ्रीका रोहित और कोहली। रोहित का तो यार क्या यार, क्या शांति से रहने का, मस्त रहने का, जल्दी से जल्दी जल्दी निपटा चीकू की बर्थडे। विराट कोहली की सेंचुरी के लिए एक लाइन तो होगी, सो ब्यूटीफुल सो एलिगेंट जस्ट लाइक अ वाओ। भाई वो लड़की कितनी फेमस हो गई है वो इसी वाले मीम से। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक।